आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइम और इस टाइम में मिल रहे मौके की कीमत पता चलेगी। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कौन कहता है कि जिंदगी आपको दो मौके देती है? ये दूसरा मौका सिर्फ फिल्मों और नाटकों में ही मिलता है, असल जिंदगी में नहीं। अगर जिंदगी दूसरा मौका देती तो इस दुनिया की आधी से ज्यादा जनता आज सक्सेसफुल होती। अरे, क्योंकि नींद तो तब खुलती है जब बंदे को ठोकर लगती है, और जब ठोकर लगती है ना तो मौका हाथ से निकल चुका होता है। और मेरे दोस्त जो मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्त वो मौका तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे लाना नहीं चाहोगे, क्योंकि मौके बनते नहीं, मौके बनाने पड़ते। अगर आज मार्क ज़करबर्ग इंतजार कर रहे होते मौके का, तो आज फेसबुक का नामो निशान नहीं होता। उसी तरह स्टीव जॉब्स अगर मौके का इंतजार करते तो आज एप्पल जैसा बड़ा ब्रांड ना खड़ा हुआ होता। दोस्त, अपॉर्चुनिटी और टाइम में बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों अगर एक बार हाथ से निकल गए तो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। इसलिए आज आपके पास टाइम भी है और अपॉर्चुनिटी भी, इसलिए इन दोनों चीजों का अच्छी तरह यूज करो। जानते हो, दुनिया के 80% लोगों के पास मौका होता है सक्सेसफुल बनने का, लेकिन उसमें से सिर्फ 10-15% लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। अरे, अनस्टॉपेबल तो सब कोई बनना चाहता है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो आपको आपके सफर के बीच में ही स्टॉप कर देती है? दूर करो उस चीज को। जो लोग कहते हैं कि मौका देखकर चौका लगाऊंगा, तो दोस्त सुनो, पहले चौका लगाने की कोशिश करो, मौका आपको अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी बात पे आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार कुछ लड़के एक क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। क्रिकेट ट्रायल्स आसपास ना होने के कारण ज्यादातर लड़के प्रैक्टिस पे नहीं आते थे, लेकिन उसमें से एक बॉलर हमेशा सबसे पहले आता था और सबसे लास्ट में जाता था, और वो लड़का दिन की 500-500 बॉले डालता था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक इंडियन टीम का प्लेयर उसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने आया था, और ज्यादा बॉलर ना होने के कारण उसने उस लड़के को बॉल डालने को कहा, और उस लड़के ने जैसे ही पहली बॉल डाली वो सीधा स्टंप्स पे जा लगी। और पहली बॉल नहीं, उस लड़के ने उस बंदे को कितनी बार बोल्ड किया, और ये देखकर वो लड़का उस प्लेयर की नजरों में आ गया, और देखते ही देखते उस लड़के का इंडियन टीम में भी सिलेक्शन हो गया। और वो लड़का और कोई नहीं, इंडिया के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह थे। वाओ दोस्त, इससे पता लगता है कि जिंदगी आपको मौका बता के और बना के नहीं देगी, मौके तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। बस आपको तैयारी पहले से ही शुरू करनी है। अगर हरभजन सिंह भी बाकी दोस्तों की तरह छुट्टी करते और ट्रायल्स आने का इंतजार करते, तो शायद ही कभी उन्हें ये मौका मिल पाता। इसलिए दोस्तों, बस जरूरत है कि आपने अपने आप को बेस्ट बनाने में लगे रहना है, क्योंकि जिंदगी मौके बार बार नहीं देती। जाते जाते इतना ही कि मौके बनते नहीं, मौके बनाने पड़ते हैं। अगर वीडियो से जरा भी कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। दिस इज अनीश फ्रॉम एपिक मोटिवेशन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।